बात कर लेते हैं फूलों के हवाले से, तो फूल कुदरत की तरफ से अदा किया हुआ उम्मीद का एक ऐसा तोहफा है जिनकी इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और हर फूल कुदरत के हुस्न और जमालियाती कमाल का नमूना है, और हमारे सारे इवेंट्स जो है मेरे ख्याल से फूलों के बगैर मुकम्मल ही नहीं होते हैं। कोई भी तकरीब हो, कोई भी फंक्शन हो, फूलों के बगैर अधूरा ही रहता है। और फूलों से सजावट जो है एक बाकायदा प्रोफेशन भी इस वक्त बन चुका है। फ्लोरल आर्ट एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, और फ्लावर जो है वो आर्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं वो तकरीब को कैसे चार चांद लगाते हैं, किस मौसम में कौन से फूल तकरीब में रंग भरते हैं, आजकल किन किन फूलों की मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जो तकरीबात को चार चांद लगाने वाले इस फन फ्लोरल आर्ट में कमाल महारत रखती है। तो हमारे साथ इस वक्त शाइस्ता खावर मौजूद हैं, फ्लोरल आर्टिस्ट हैं। शाइस्ता, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक, थैंक यू। शाइस्ता, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि फ्लोरल डिज़ाइनिंग जो है अब ये बाकायदा एक आर्ट बन चुकी है मार्केट में, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम देख रहे हैं, तो हमें बताइए कि ये आर्ट जो है कहाँ से सीखा जा सकता है, क्या आपके अंदर पहले ही इनबिल्ट होना चाहिए इस चीज़ को? देखिए, मेरे ख्याल से हम लोगों को अपने आप को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक के अंदर अल्लाह ने हर तरह की वो कह लें कि क्वालिटीज़ दी हैं। किसी में क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन ये कि अगर ख़ासतौर पे फीमेल्स जो हैं वो तो हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हैं, और उसने और एक नेचुरली एक टैलेंट है। अच्छा। बस उसको यू नीड टू पॉलिश इट। और मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी स्टेज पे, इवन किसी भी एज में चाहे, तो दे कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग। जी, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कैन यू बिलीव, उसमें 80+ वाले भी कई लोग हैं, और कई ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग बच्चियाँ होती हैं। सो हर रेंज के लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं क्लासेस लेके इसको सीखने के हवाले से। लेकिन अब लोग जो हैं अपने घरों में और अपने लॉन्स में, अपने घर के अंदर इवन दो के अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के और डिफरेंट और कलरफुल फ्लावर्स होने चाहिए, तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगर हम इन चीज़ों से जो है अपने घर को सजा रहे होते हैं तो? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं लैंडस्केपिंग भी करती हूँ और ये डिज़ाइनिंग भी करती हूँ। ओके, अब उसमें अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो हर चीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, लाइक आपका किस स्टाइल का ड्राइंग रूम है, आपने कंटेम्प्रेरी स्टाइल किया हुआ है, ट्रेडिशनल किया हुआ है, किस तरह का मॉडर्न स्टाइल है आपका, तो उसके हिसाब से आपको फ्लावर्स रखने हैं। अब आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल पूरा सेटअप किया हो और उसके अंदर आपने मॉडर्न डिज़ाइन बना दिया हो, तो वो फिर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगेगा। सो जब मैं डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ये चीज़ें देखती हूँ सारी, कि किस लेवल का काम है, किस हाइट में, किस कॉर्नर पे, किस कलर स्कीम के हिसाब से फिर क्या स्टाइल होएगा, क्योंकि अच्छा। मैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी के बाना और ट्रेडिशनल सारों में काम करती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द प्लेस और उसके हिसाब से कलर स्कीम वगैरह सारा प्लान करना पड़ता है। और दूसरा कि क्लाइंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं, फिर इसमें रेंज भी आ जाती है। अच्छा, अब कई लोग जो हैं उनकी एक लिमिटेड रेंज होती है, कई लोग होते हैं उनको होता है कि जी बस कमाल की कोई चीज़ बना दें और और जितनी मर्जी प्राइस हो जाए। सो हर एक के हिसाब से मैं फिर कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करके देती हूँ। ठीक है, तो इसमें कितना वक्त लगता है अगर कस्टमाइज? पता, कई चीज़ों के अंदर आपको बड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है, लाइक यू हैव टू थिंक, आप उसकी रॉट आयरन, अब ये जितने आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसके अंदर आपको रॉट आयरन की आपने देखना है, किस तरह उसको होल्ड करना है, किस साइड पर करना है। अब ये तो सिंपल है, अब जब कोई आप प्लान करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप सारी वर्किंग करते हैं, तो इसमें डिपेंड करता है जितना टाइम होता है, मतलब हफ्ता तो लग ही जाता है आराम से। और जैसे अभी आप बात करी थी लैंडस्केप्स के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा आप घरों में बनवाए जा रहे हैं, तो इसके हवाले से हमें बताइए कि उस पर फिर किस तरह के हम लोग जो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फ्लावर्स या जो भी चीज़ें होती हैं। देखिए, लैंडस्केपिंग के अंदर अब जिस तरह मैं जो लोगों को काम करके देती हूँ उसमें मेरी कोशिश होती है ऐसी चीज़ें हों जो 12 महीने वहाँ पर पौधे लगे। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं सीजनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद खाली वो खत्म हो जाता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सीजनल भी हो लेकिन उसके अंदर मैं कॉम्बिनेशंस इस किस्म के करती हूँ कि आपका 12 महीने लॉन उजड़ा हुआ नहीं लगता, वो खूबसूरत लगता है। और फिर एक और भी चीज़ है, कहीं पे धूप ज़्यादा है, कहीं पे छांव ज़्यादा है, सो वो आपने देखना है। फिर कई लोगों की रेंज का डिफरेंस होता है, अब एक पौधा आपको 2000 का भी मिल रहा है, 200 का भी मिल रहा है, अच्छा 50 का भी है, सो अकॉर्डिंग टू द बजट और स्पेस और सारी चीज़ें उसके हिसाब से बैलेंस किस्म का मैं काम करती हूँ। तो क्या मौसम के हवाले से भी वही देखा जाता है ना कि आपने 12 महीने कौन से ऐसे पौधे हैं जो मरे नहीं और मतलब आपका
गार्डन जो है उजड़ा वाला नजर आए। तो ऐसे कौन से मतलब फूल हैं जो हमें 12 महीने नजर आते हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से उनके अगर टेक केयर करें तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे जो सीजनल है ना, उनके अलावा कुछ हमारी श्रब्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपके सीजनल आते हैं। फिर एक और काम मैं इस तरह से भी करती हूँ कि अब कुछ हैं कि जो आपकी सर्दियों के अंदर फ्लावर्स देंगे, कुछ आपके गर्मियों में देंगे। okay. तो उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि जैसे ही उसका सीजन खत्म हुआ, दूसरे का सीजन स्टार्ट हो गया, सो आपके लॉन के अंदर जो है वो फूल रहते हैं। सो ये भी एक वर्किंग होती है। सो आप उसके हिसाब से क्या होता है, मतलब कौन से अगर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो कब हमें ये कराना चाहिए, अगर डिजाइनिंग हमने करानी है फ्लावर्स के हवाले से तो कौन से टाइम ज्यादा? फ्लावर्स जरूरी नहीं हर वक्त फ्लावर्स ही हों, क्योंकि फोलियज में इतने कलर्स हैं आपके पास कि जब आप वो लगाते हैं सदाबहार टाइप, आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो 12 महीने चलते हैं, उनके अपने कलर्स बड़े अच्छे हैं। फिर आपकी जो सर्दियां हैं उसके अंदर आप प्लांटेशन ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि फॉग और वो फिर सारा आपका जो ठंड की वजह से आपके बहुत सारे पौधे डैमेज होते हैं। सो नॉर्मली जो आपका स्प्रिंग सीज़न है वो भी अच्छा है। ओके. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये क्रिसेंथमम के आपको नज़र आ रहे हैं, ये सर्दियों का फूल है। अच्छा ठीक तो है, तो अब ये सख्त सर्दी के अंदर। और मैं बताने वालों को और देखने वालों को ही बता दूं कि ये असली फूल है, ये नकली आर्टिफिशियल फूल नहीं है। और ये एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं, असली है कि ये लोकली ग्रोन है। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है, इम्पोर्टेड नहीं है। और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं, जब ये हम रख रहे थे तो मुझे लगा कि शायद ये आर्टिफिशियल है, और इनको ऑब्वियसली हाथ लगा के देखा कि शायद ये आर्टिफिशियल तो नहीं है क्योंकि लग इतने खूबसूरत रहे हैं, लेकिन लिटरली ये रियल है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि ये पर्पल जो है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये पूरे 12 महीने हमें मिलते हैं, ये खास तौर पर नहीं, नहीं ये तो सर्दियों का है ना। अच्छा, ये सर्दियों का, मैं वही कह रही हूँ ना, हम सारी चीज़ें वर्किंग इस तरह से करते हैं कि आपके हर सीज़न में कोई ना कोई तो फूल होता है, तो आप उसकी वर्किंग इस तरह से करते हैं, एक ख़त्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया। सो वो फिर सारी काफ़ी सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा कलर कॉम्बिनेशन का फिर किस तरह ख्याल रखा जाए? वही कलर्स, हर एक के कलर्स आपको पता होते हैं, फिर आप ये भी देखते हैं कि किस वक्त किस जगह पे कौन सा कलर है, उसको मिक्स करके लगाना है किस तरह, वो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के फिर उसके हिसाब से प्लान करते हैं। और इवेंट्स के हिसाब से क्या करना चाहिए फिर, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा थीम पार्टीज भी हो रही हैं, थीम इवेंट्स चल रहे हैं, मेहंदी पे भी बहुत ज़्यादा आजकल फ्लोरल चीज़ें और फ्लोरल आर्ट कराया जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर कौन से जो है वो फ्लावर्स यूज़ होते हैं, कौन सी चीज़ें आजकल वैसे जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल के साथ ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर कि फ्रेश के साथ फ्रेश हो, क्योंकि फ्रेश की जो अपनी लुक है वो आर्टिफिशियल में नहीं आती। लेकिन ये कि अब अगेन बजट बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि किस क्लाइंट का कितना बजट है, तो उसके हिसाब से वर्किंग करनी होती है। कुछ लोगों को होता है कि बस फूल फूल लगा दें जी, भर दें, मतलब किसी तो भी तरीके के बस और बस किसी फूल भी नजर आए ज़्यादा सारे हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं थोड़ा सा आर्ट होए, कुछ थोड़ा सा चेंज होए, सो फिर हर एक के हिसाब से कस्टमाइज डिज़ाइनिंग मैं करती हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, ये जैसा आपको ये ब्लू वाला नज़र आ रहा है, रिंग सा ये सर्कल सा बना हुआ, ये मेरे अपने बने हुए कंटेनर्स हैं। okay. मैं ये कंटेनर्स भी खुद बना रही हूँ, ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद बनाया हुआ है। लेकिन आप देखें, आप एक बंदा है जिसको ऑलरेडी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं आती, आप देखें दो होल्स हैं उसके अंदर, दो साइड्स हैं, इसके अंदर आप दो तीन फूल इधर लगा लें उधर लगा लें, आपका सिंपल डिज़ाइन, तो एवरीबडी कैन बी अ डिज़ाइनर।